नमस्कार, मैं नरसिंह वसानी, मूवी टीवी का वन ऑफ द डायरेक्टर, और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मूवी टीवी की शुरुआत 31 जुलाई से हमने शुरुआत की थी और एक अच्छा सा धमाकेदार हमने शुरुआत की थी। उसके बाद में एक के बाद एक नए नए शो आते रहे और लास्ट 10 तारीख को ही हमने 3 नए शो लॉन्च किए थे और वापस एक फिर से एक नया सुनहरा अवसर आया और आज हम एक और एक नया शो रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है चोर पुलिस। और चोर पुलिस एक धमाकेदार एक कॉमेडी शो है, आप सभी लोग देखेंगे, आपको बहुत एंजॉय आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्या बात है, नरसिंह वसानी सर, जानना ये भी चाहेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग होती है टीवी शो की, क्योंकि सर और भी कॉमेडी शोज हैं टीवी चैनल पे, तो ये किस तरह से अलग होगा? सर, आज ये मुबू टीवी है ना, वो एक अलग तरीका का टीवी चैनल है कि जिसके अंदर एक अलग ही प्रकार के एक बुके तैयार किया हुआ है जिसके अंदर हर प्रकार के शो है। हमारे जो भी अभी तक जो 4 शो या 5 शो जो चल रहे हैं उसमें कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड कोई भी शो नहीं है, उसमें हर प्रकार के अलग अलग ही शो है। और ये कॉमेडी शो है लेकिन एक फैमिली, जहाँ फैमिली रहे वो पूरी फैमिली चोर फैमिली है, उसके अंदर उनका बिजनेस ही चोरी का बिजनेस है। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारा बिजनेस चोर है, मतलब उनका कहना ये है कि सारे लोग चोर है। कोई लोग इनकम टैक्स बचाते हैं, कोई GST बचाते हैं, किसी न किसी प्रकार की चोरी तो करते ही है ना। और उसके अंदर एक हल्का फुल्का मज़ेदार अलग अलग तरीक़ों से, कोई कभी हंसाने वाला तो कभी इमोशनल सीन्स भी इसके अंदर है काफ़ी, और इसी प्रकार से एक अलग ही प्रकार का आपको शो देखने को मिलेगा। नरसिंह वसानी सर, जानना ये भी चाहेंगे कि अब हर चैनल पे देखा है तो रियलिटी शोज का एक ट्रेंड सा चल गया है, तो मूवी टीवी पे कुछ आपने ऐसा सोचा हो, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही हो कि जहाँ पे आप नए सिंगर्स, नए डांसर्स, एक्टर्स को आप मौका दे पाए? 100% हमारा रियलिटी शो भी आ रहा है, जैसे आपको बताया मैंने कि हर एक प्रकार का बुके है उसके अंदर। अभी और फर्दर लगभग करीबन 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा रियलिटी शो भी एक बड़े लेवल पे आ रहा है सर, उसी की सारी तैयारी चल रही है हमारी, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, एक धमाके करना बाकी है। नरसिंह सर, क्योंकि सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर, तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमारे टीवी पर कभी कुछ ऐसा नहीं दिखाया जाएगा? मतलब ऐसी क्या कौन कौन सी चीज़ें जिन चीज़ों से आप बचते हैं? सर, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा जो हमने चैनल ओपन किया है मूबू टीवी, हर भारतीय का सपना, पहले तो हम हर भारतीयों का सपना पूरा करना चाहते हैं। और हमारा चैनल लाने का इंटेंशन, ये ध्येय ये था कि सारी फैमिली एक साथ में एक छत के नीचे बैठ के देखें। एंटरटेनमेंट के लिए तो मूवी भी बहुत सारी है, लेकिन किसी अलग अलग प्रकार की मूवी हो तो कभी बूढ़े को पसंद नहीं आती है, किसी बच्चे को पसंद नहीं आती है, या हर प्रकार के अलग अलग, लेकिन हमने यहाँ पर एकदम सात्विक, जिसे वो कहते हैं ना कि सारा फैमिली एक साथ में बैठ के यहाँ पर एंजॉयमेंट कर सके, एंटरटेनमेंट कर सकते, यही हमारा ध्येय है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। बस प्लान तो एक अचानक ही बना और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा इसका। चोर पुलिस एक कॉन्सेप्ट वैसा है जिसमें कि अमीरों से लेकर गरीबों को बांटा जाता है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने कभी चोरी ना की हो, ये कॉन्सेप्ट है। और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, आप देखेंगे इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, सभी कुछ मिलेगा आपको। सर, बड़ी हैप्पी से अबाउट इट। ये हमारे हम दोनों इसमें मुकेश शाह और मुकेश धीर प्रोड्यूसर, मानिक मीडिया, दोनों मिलके ये शो बना रहे हैं। मानिक मीडिया कंपनी का नाम हमारी, और दोनों ही हम लोग साथ में हैं। क्या बात है सर, आप कुछ बताएं इसके बारे में। सर, आपको ये शो करने का कैसा लगा, आपको इन्वेस्ट करना, मतलब चोर पुलिस क्या है, कॉमेडी है, आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी होगी? नहीं, ये जो जब भी हमको राइटर ने हमको ये स्क्रिप्ट दी गई थी, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ के हमको बहुत ही अच्छा लगा, फिर हमने अप्रोच किया मूवी टीवी के पास कि ये हमारे पास शो है, तो उन्होंने हमको वेलकम करके एक्सेप्ट किया कि ये डेफिनेट आप लोग कर सकते हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही हमको अच्छा लगा है, और आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये कुछ शो हटके शो बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस शो में सभी कुछ आपको मिलेगा, हंसी, ड्रामा, रोना, सभी कुछ है इसके अंदर, सभी कुछ है। अभी इसका क्या बताऊँ कि शो ऐसा जबरदस्त है कि मतलब इंसान जो थक के आ जाता है तो रात को ये शो देखेगा तो टोटली रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब बस 8:30 की वेट है, ये टोटली रिफ्रेशमेंट फैमिली ड्रामा है और टोटल कॉमेडी है। तो इस शो में ज़्यादा पुलिस को सपोर्ट किया गया है या चोरों को सपोर्ट किया गया है? नहीं, इससे पुलिस को सपोर्ट है, चोरों को भी है, चोरों को सपोर्ट कम है,
लेकिन गरीबों को सपोर्ट ज्यादा हमारा, क्योंकि हम गरीबों को सपोर्ट करते हैं, अमीरों से लेकर गरीबों को देते हैं जी जी। तो गरीबों के ऊपर है। कब तक ये ऑन एयर हो पाएगा? और ये आज 8:30 बजे ऑन एयर है जी, 7 तारीख को। और मंडे टू फ्राइडे एवरीडे 8:30 मुबू चैनल। मेन हमारी प्रतिभा जी है, जिनको आप देखेंगे बहुत अच्छी एक्टर है, और सभी एक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर सभी बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए क्या है कि एक्टर्स की लाइफ में किरदार तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो लगता है कि एक्टर ये परफॉर्म करना चाहता है वर्षों से। जैसे 10 साल के करियर में मुझे लगता था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ, है ना, तो ये आज ड्रीम्स कम्स ट्रू वाला मामला है बुलबुल पांडे का, और बहुत ही खूबसूरत किरदार है। और चोर पुलिस की कहानी है तो मैं पुलिस हूँ, पुलिस मींस पुलिस जी। आमतौर पर जिंदगी में आपने कैसे आप पुलिस वालों से टकराया और क्या क्या इंसिडेंट रहे, अगर कोई रैंडमली कोई याद आता है? बहुत सारे, हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पुलिस से वास्ता तो हमेशा होता रहता है, हमेशा या मुंबई में भी होता है। कभी कभी रात में हम लोग जा रहे हैं, शराब नहीं भी पी रखी है, गाड़ी रोक लिया पुलिस वालों ने, हाँ भाई मुंह में मशीन डालेंगे, चेक करेंगे 10-15 मिनट, तो ऐसे बहुत सारे किरदार जो है मिलते रहते हैं पुलिस वालों जी। कितने एपिसोड शूट हो चुके हैं और कैसा लग रहा है जितने भी शूट किए? 15 एपिसोड के आसपास हमारे पास बैंक है, और धमाल कॉमेडी, धमाल मीन्स आप पहले फ्रेम से हंसना शुरू करेंगे और शो के एंडिंग तक हंसेंगे, ये वादा करता हूँ। जाना ये भी चाहेंगे इससे पहले किन सीरियल्स के आप हिस्से रहे? मेरा अभी 6-7 महीने पहले एक शो ऑफ एयर गया था डबल रोल में, हीरो भी मैं, हीरो का बाप भी मैं, तेरा बाप मेरा बाप बिग मैजिक चैनल पे। उससे पहले श्री प्राणनाथ जी इमेजिन टीवी पे आता था, सुनैना प्रकाश झा साहब का शो था, और DD1 के कई सारे शोज़ किए हैं मैंने। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने को है 1 फरवरी को, शायद अभी टेंटेटिव डेट है, ब्लैक बोर्ड वर्सेज व्हाइट बोर्ड, मैं उसमें विलन हूँ, रघुवीर यादव सर वो हीरो हैं। क्या बात है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि लोग चोर पुलिस क्यों देखें? दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शो है, अगर आप हंसना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन शो हो ही नहीं सकता। कॉमेडी में पहली बार मेरे ख्याल से आ रहा है ये कि चोर के पीछे पुलिस है ना, पुलिस के पीछे चोर, ऐसी कहानी आपको पहली बार देखने को मिलेगी और बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी मैं प्रतिमा कानन, ईमानदार सदन की अम्मा जी पार्वती ईमानदार। क्या बात है, अभी जो भी सदस्य मौजूद हैं आपकी फैमिली से, जो भी इस धारावाहिक में काम कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में आप क्या क्या जान पाई हैं, हमें बता पाए उस बारे में कुछ? नहीं जानती तो मैं मतलब परिवार में रहते हो ईमानदार सदन के या वैसे बाहर? ईमानदार सदन। तो अभी मैं इनके बारे में जान क्या पाई, मैंने ही तो इन्हें जानने के काबिल बनाया, इनसे पूछे ये अपनी माँ को कितना जान पाए। मैं तो सब जानती हूँ, पैदा सब जानती है। पेट में आने से लेकर और पैदा होने तक और बड़ा करने तक सब जानती हूँ। इसको डॉक्टर बनाया पढ़ा लिखा के, इसको क्या CA बना दिया, वो देखिए इंजीनियर खड़ा है हमारा, ऐसा नहीं है, बहुत टैलेंटेड फैमिली है हमारा, और ये देखिए फैशन डिजाइनर बहू आई है, बहुओं को भी इन्होंने चुना है, तो हमारे बारे में भी सब जानती हैं, सब देख परख के हलाइए हमें अपने घर में, तो ऐसा नहीं है। बाकी ये रहा हमारा चोरी वोरी का जो, ये तो हमारा मतलब फैमिली पुश्तों से चला आ रहा है, कोई इसमें शर्म की तो मुझे तो नहीं, अपने लिए नहीं करते ज्यादा, हम अपने लोगों के लिए करते हैं, हमारे जो गांव वाले हैं, हमारे जो सिटी वाले हैं, ये सब उनके लिए, गरीबों के लिए हम करते हैं। हमारा परिवार रॉबिनहुड परिवार है, जो दूसरे चुरा के जरूरतमंद लोगों में हम बांटते हैं, बहुत जरूरी है वो चीज़। बहुओं से जानना चाहेंगे कि ये सास कैसी हैं, जुल्म करने वाली हैं या आपकी भावनाओं को समझती हैं या फिर किस तरीके? ये बिल्कुल जुल्मी सास नहीं है, ये बहुत ही प्यारी सास है। हाँ बस थोड़ी बहुत डांट मुझे पड़ती है क्योंकि ये काम ऐसा करती है, इसलिए इनको डांट ऐसी पड़ती है। हाँ अब लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन सा काम कब कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी डांट पड़ती है इनसे, क्योंकि मुझे ऐसा सब कहते कि मैं थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें करती हूँ, लेकिन मैं बड़ी स्वीटली, बड़ी ऑनेस्टली, बहुत सच्चाई से बोलती हूँ, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, लेकिन जो सच है ना बहुत गलत टाइम पे बोलती हूँ। इसकी वजह से हम सब फंस जाते हैं। जिस तरीके का किरदार आप बहुओं का है, अपनी रियल लाइफ में आप ऐसी लोगों से कैसे कितना मिली है और क्या क्या इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने और लोगों से?
आई थिंक हम सब के अंदर एक वो फनी कैरेक्टर होता है, तो ऑब्वियसली हम रियल लाइफ में तो ऐसे हैं नहीं, बट कैरेक्टर इतने प्यारे हैं कि उसको पढ़ के जब हम करने परफॉर्म करने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे 12 घंटे कब चले आते हैं, हम पूरी शिफ्ट कैसे बीत जाती है हमारे कैरेक्टर करते करते, उसे डायलॉग्स करते परफॉर्म करते. सो बहुत ही एंजॉयबल है, राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली सबका कैरेक्टर स्केच लिखा है, तो हम सब करते वक्त बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. मतलब ऐसा कि हम जब लाइन रिहर्सल करते हैं तो हम खुद सीन पढ़ के एक्टर्स हम खुद बहुत हंसते हैं. क्या बात है. जाना आपसे चाहेंगे कि चाहे फिल्म हो या धारावाहिक हो, उसमें इम्प्रोवाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है, वो जान लेके आता है उस धारावाहिक में, तो कितना इम्प्रोवाइज आप लोग करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट? एक्चुअली क्या है कि ये जो शो है इसमें कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करने का है नहीं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं, परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं. और मेरा जो कैरेक्टर है अनेरी मंदार, ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और मेरा एक तकिया कलाम है ऐसा मैं नहीं लोग कहते हैं, और जो मेरे हस्बैंड है आकाश मंदार ये मेरे से बहुत डरते हैं, आई एम वेरी डोमिनेटिंग वाइफ, बट अदरवाइज मैं बहुत ही शार्प माइंडेड हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बिकॉज बाय प्रोफेशन मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ. तो सब कुछ बहुत अच्छा है, एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला. और ये बहुत डोमिनेटिंग वाइफ है, अपने हस्बैंड को बिना परमिशन सांस तक सांस नहीं लेने देती हूँ मैं, आप उनसे पूछ सकते हैं. देती है अब, और अगर उसने गलती से सांस ले ली उसकी हर एक गलती की सजा उसे चुन चुन के मिलती है, वो भी रात में. आप एक नौकर का रोल प्ले कर रहे हैं और आपने अपने ही तरीके किरदार आई एम श्योर मतलब कहीं से ऑब्जर्व किया या फिर कुछ सारा कुछ इमेजिन करके आपने अपने किरदार को निभा रहे हैं. जी जो नौकर का मैं किरदार निभा रहा हूँ ये मैंने कुछ सोचा था कुछ इस टाइप का होगा, कुछ राइटर ने भी मेरे लिए ऐसे लिखा है, लेकिन मेरा करेक्टर बहुत फनी है, दादी भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती हैं मेरे लिए, तीनों भाई हैं जो मेरे वो भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें कुछ अच्छा खेलने की कोशिश करता हूँ और सबको हंसाने की कोशिश करता हूँ. ओके, जानना आप तीनों से चाहेंगे कि कितना अलग रहेगा ये रिलेशन, ये धारावाहिक, ये जो भी जिस तरीके की कॉमेडी है हम मोस्ट ऑफ टाइम देखते हैं चैनल्स में सास बहू के ड्रामे या रियलिटी शोज या सास बहू का ड्रामा, तो ये कितना अलग रहेगा ये शो और बाकी शोज? ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही अलग रहेगा. बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है और एक्चुअल आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको कि जो एक्चुअल लाइफ में हो रहा है, जैसे कि हमारे शो का टाइटल भी है चोर फूल, ये चोर फूल बना रहे हैं, और एक्चुअली भी इसमें यही है कि अगर हम आम एक इंसान की बात करें, जिस तरह से अगर आप प्रोमो भी देखेंगे कहते हैं कि सूरज रोशनी चुरा रहा है, उसका क्या कहेंगे? तो मैं चोर नहीं है, दिल के सब अच्छे हैं, चुराते कुछ नहीं है, रॉबिनहुड परिवार है, और जो इतने लोगों का ख्याल रखता है, अपने आसपास वालों का ख्याल रखता है, तो मुझे लगता है चोरी नहीं है. बस हमें जहाँ लगता है कि वो चीज़ उसके पास नहीं होनी चाहिए, जिसके पास होनी चाहिए हम वहाँ से लेते और उनको दे देते. हम हर वर्ग को बराबर कर रहे हैं शो में. बस देखिए रियलिटी में अगर देखा जाए तो चोरी तो छोटी मोटी कोई भी हो कैसी भी हो चोरी तो सब करते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए वो चोर, लेकिन बाकी साहूकार. लेकिन हमारी फैमिली जो ये है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम रॉबिनहुड थ्योरी पर चलते हैं, हम थोड़े इमोशनल हैं, हम चोरी तो करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए चोरी करते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं. क्योंकि आगे अगर आप एपिसोड्स भी देखेंगे तो हमारा एक सभा होता है जहाँ पर जितने भी गांव या हमारे एरिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो आते हैं, किसी को टीवी चाहिए तो हमने कभी ज़रूरतमंद से जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है वो हम उनको पूरी करते हैं, जो बचता है वो हम अपने लिए रखते हैं, वो हम अपने लिए रखते हैं, इतना तो हक बनता ही. अंत में हम जानना चाहेंगे कि ये शो लोग क्यों देखें, क्या अलग रहेगा, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज यही देना चाहेंगे कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है देश की, है ना, तो ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान कहते हैं ना कि आप कहें जी ये जो चोर फैमिली है, तो यही कहना है कि कौन मतलब चोरी कौन नहीं करता. आज कोई बड़े से बड़ा इंसान भी पहुँच गया ऊपर गद्दी में, कुछ ना कुछ चोरी करके ही पहुँचता है, ऐसे नहीं पहुंचता मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन हम ये समझते नहीं, जानते नहीं. तो मतलब ये इस सीरियल में बहुत अच्छी तरह से चीज़ें मजाक में भी कही गई हैं, सीरियसनेस में भी कही गई हैं, तो मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत जुड़ेंगे हमारे इस सीरियल के साथ. क्योंकि चोरी जब हम चोरी करते हैं ना तो हम बहुत उसूलों वाले चोर हैं, हम किसी को दुख देने के लिए चोरी नहीं करते, खुद को सुख देने के लिए चोरी करते हैं. लोगों को सुख देने के लिए लोगों को सुख दे के हमें सुख मिलता है, और उसूलों वाले चोर हैं, हम क्यों नहीं उठाएंगे. लेकिन इस घर में मैं चोर नहीं हूँ. हाँ ये इकलौते हैं बस, इसे हम और हमारी चोरी से इन्हें कोई एतराज भी नहीं, हमें खुद चुरा के ले गए. खुद चोर क्योंकि बचपन चोर होकर आए हैं ना, हम चुरा के लाए तो बेचारे खुद चोरी नहीं कर, ये पता चल जाए कहाँ से चोरी होके आए, तो इसलिए फुल सपोर्ट में हमारे. वो हमेशा मिस्ट्री बनी रहेगी कि ये कहाँ से आए. क्वेश्चन है
कहाँ पे चुरा के लेके आए हैं हमारी? बेचारा यही पूछता है, वो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। बता दो भैया कहाँ पे चुरा के लेके आए हो। चलिए थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच। छूट भी हो गया, तो क्या किरदार है आपका और कुछ बताना चाहेंगे? तो मेरा नाम इसमें तोरल है और मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, तो बाबा ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो मैंने देखा ही भी नहीं है, पर बिना देखे प्यार हो गया है। तो मैं अब शादी करके इनकी फैमिली में एंटर होके आऊँगी, प्रेम की वाइफ बन के आऊँगी और बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ मैं और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती हूँ। अपने रियल लाइफ में भी बहुत ही आई एम वेरी सिंसियर विद माय वर्क एंड इट्स जस्ट द सेम। तो ऐसा है कि पहले दिन तो हमारे जो सीन हुए तो पहले दिन तो थोड़े नर्वस भी थे, ऐसा तो नहीं था, और बड़ा मजा आता है क्योंकि बेसिकली कॉमेडी शो है तो जो स्क्रिप्ट्स होती है वो पढ़ के भी मजा आता है और करने में मजा आता है और करते करते कभी इम्प्रोवाइज भी कर देते हैं, और हमारी जो डायरेक्शन टीम है प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है, तो बहुत हेल्प भी है, सपोर्ट भी है और मैम भी है, तो बहुत मजा आता है। आगे क्या करने वाला है आपका, किन किन सीरियल्स में काम कर रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी तो यही कर रही हूँ जो, हाँ अभी तो चोर पुलिस कर रही हूँ। चलिए आप इसके बाद बहुत ढेर सारे आप धारावाहिक करें, फिल्में करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। है बहुत अच्छी चीजें हैं, जितना मजा आप लोग को देखने में आया उससे मेरे ख्याल से 10 times ज्यादा बनाने में मजा आया था। मैं भी सेट पे 2-4 बार ऐसे घूमने टहलने आया था। राहुल जी की मेहनत, बाकी प्रोड्यूसर्स की मेहनत, बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट जितने भी हैं सारे लोग की मेहनत बहुत लगी है। एक बार मैं चाहूँगा, मैं अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं एक बार चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को प्लीज़ वो एक बार स्टेज पे आएँ, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पेशल थैंक यू। नरसी भाई अगर आप भी प्लीज़ आ सकते हैं क्या? मुकेश जी थैंक यू सो मच, एंड मुकेश धीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इस लिस्ट में मैं धन्यवाद करूंगा अपने पार्टनर नरसी सर का, क्योंकि इन्होंने भी जब शुरुआत हम लोगों ने की थी तो इन्होंने हिम्मत की थी कि नहीं एक जीसी, क्योंकि एक जीसी सेक्टर में आना, स्पेशली एंटरटेनमेंट के सेक्टर में आना बहुत बड़ी बात होती है, तो हम लोग संतुष्ट नहीं थे। मैं भी जब बचपन से टीवी देखता चला आता था तो 2-4 सीरियल्स के नाम है जो मेरे जुबान पर रहती थी, मैं उतना ही जानता था यही होता है एंटरटेनमेंट चैनल, लेकिन उस कंटेंट से शायद हम लोग दोनों लोग खुश नहीं थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक एंटरटेनमेंट चैनल करेंगे, इन्होंने शुरुआत की थी। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द डायरेक्टर्स एंड द डीओपी ऑफ द सीरियल टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। राहुल ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोगों की मेहनत है, इनकी वजह से हम स्क्रीन पे, इनकी वजह से हमारे चैनल की टीआरपी ऊपर जा। आसिफ जी को बुलाना चाहती हूँ, आसिफ सर प्लीज आप भी आइए, प्लीज कम, आपको कैसे हम भूल सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आसिफ, आसिफ थैंक यू सो मच, एंड जितने भी हमारे मीडिया के बंधु आए हैं और जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, और कोई अगर क्रू मुझसे छूट गया हो, वहाँ कंसोल पे बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई अगर मुझसे क्रू छूट गया हो तो सॉरी, लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहाइंड आर सक्सेसफुल ऑफ कोर्स शो, भले ही आज पहला एपिसोड का टेलीकास्ट था लेकिन इनकी एक्टिंग और स्क्रिप्ट देख के इतनी बुलंदियां दिख रही है, जोरदार ताले हो जाए वंस। देखिए आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी है और ये दिन आज के दिन मेरे को ये दिन नसीब होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आज जो मैं इस जगह खड़ी हूँ और ये सब हो रहा है इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, और जब मैं थिएटर करती थी तो वो मेरे जो भी रिव्यूज़ आते थे उनकी कटिंग फाइल में लगाते थे, मेरी फ़ोटोज़ को करते थे। आज मेरे भैया भाभी बैठे हैं, कुवैत में सेटल हैं लेकिन अभी इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, मैं उनके सामने बोलने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगी कि मेरे फैमिली में किसी ने शायद
मेरे को सपोर्ट नहीं किया इतना जितना मेरे फादर ने किया. एंड थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच. आज आपका सपना पूरा हुआ. आज आपकी बेटी देखिए किस माहौल में खड़ी है. और इसके बाद मुबू चैनल के सभी लोगों को, मनीष जी, वैभव, कि लगभग इतने सालों में लोगों ने यही सोचा है कि मैं नेगेटिव रोल ही कर सकती हूँ, और ये विश्वास आप लोगों ने मुझ पे रखा कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ. और मैं सबके सामने ये बोलने में गर्व महसूस करूँगी कि मैं फर्स्ट टाइम कॉमेडी शो कर रही हूँ. और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं एक नया रूप आप लोगों को दिखा सकूँ. उसमें राहुल जी, अशोक जो राइटर है, और आसिफ जी, इनका बहुत बड़ा हाथ है. और पहले मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा टेंस थी, लेकिन जिस दिन मैं अशोक से मिली और उसने जिस तरह मेरे को एक लाइन में चीज़ को समझाया, तो मैं इतनी मेंटली रिलैक्स हो गई कि अरे, मैंने कहा वाह यार, तुमने तो मुझे एकदम रिलैक्स कर दिया, नहीं तो मैं तो बहुत ही टेंशन में आ रही थी. बिकॉज पहले दिन ही प्रोमो शूट हुआ कि अम्मा जी गन पकड़ के खड़ी हैं, तो ऑफकोर्स जो एक लेडी, मतलब प्रतिमा कनन, जो हमेशा नेगेटिव ही करती है, मैंने कहा ये एक और फूलन देवी मिल गया मुझे तो. तो फिर उन्होंने जब मुझे समझाया कि सिर्फ गन है, लेकिन ये मतलब रॉबिन हुड है, लेडी मतलब चोर है, लोगों से माल चुराती है और गरीबों की मदद करती है. और प्रतिमा जी बहुत ही डाउन टू अर्थ लेडी है, ऐसा कुछ भी नहीं. बंदूक पकड़ के ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव करेक्टर है. वह दो तीन चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई और मुझको बहुत ईजी हो गया. और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ, मेरे साथ मेरे जितने बच्चे, मेरे तीन बेटे, मेरी बहुएँ, इनकी जितनी हेल्प, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ काम करने का मतलब होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने इतने साल काम कर लिया तो मैं बहुत कुछ जान गई हूँ. हर पल हर घड़ी एक कलाकार सीखता रहता है और मरते दम तक सीखता रहता है. और मैं बच्चों से बहुत कुछ सीख रही हूँ. इनकी जो सेट पे बातें करना, और जैसे ये लोग करते हैं, जिस तरह ये फुदकते हैं, तो मैं उससे सीख रही हूँ. और बस यही कहूँगी कि एक मेरा नया प्रयास है कि मैं कॉमेडी में कूद रही हूँ. और प्लीज़ आप लोग मेरे इस काम को सराहिए. एंड सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करूँगी मुकेश शाह जी और मुकेश धीर जी का. और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मैं हमेशा हर शो में कहती हूँ कि प्रोड्यूसर का सेट पे होना बहुत ज़रूरी है. पर हम इतने लकी हैं कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, हमारे साथ चैनल वाले, मतलब वैभव तो हर वक्त हमारे लिए मतलब खड़ा रहते हैं या बैठे रहते हैं. कुछ भी चीज़ हमको कुछ कहनी होती है, वैभव ये, वैभव प्रतिमा जी प्लीज़, प्रतिमा जी प्लीज़, सब लोग मतलब इतना सुंदर ईमानदार परिवार, सच में एक ईमानदार परिवार है. और सब एक दूसरे से लड़ते भी हैं और मतलब झगड़ते भी हैं और मतलब काम भी अच्छे से कर रहे हैं. बच्चों को भी मैं कई बार चीज़ें बोलती हूँ कि बेटा ऐसे करो, ये करो, सब बच्चे मानते हैं. हेमंत हमारा ईपी है, इतना हमारा साथ है. तो और मतलब क्रिएटिव तो हमारे कमाल के ही हैं कि मतलब इतने मज़े से सब हंसते खेलते. सच में हमारा परिवार बहुत अच्छा है. एंड थैंक्स भैया भाभी, आप केरला से सफ़र करके आज मेरे इस फंक्शन पे आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. चिपलुनकर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ तोरल, यशश्री. अरे अभी से देखो स्टेज पे ही माइक. अरे बरखा, शादी से पहले हमने तुम्हारे दिमाग को काहे नहीं परखा. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा तो थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं हमारे ऑडियंस के साथ इस शो के बारे में, या कुछ खट्टी मिट्टी बातें, यू नो, सेट पे जो भी होती है. वो आपका चॉइस है, आपको जिस हिसाब से करना है. मैंने कॉमेडी ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ. वैसे मैंने कॉमेडी की हुई है, लेकिन एक पूरे तरीके से कॉमेडी ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ चोर पुलिश में. एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे चैनल ने, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ में विश्वास रखा और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूं आप लोगों के सामने. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, मजा आ गया. थैंक यू, तालियां बजाइए एक बार प्लीज. ये थैंक यू. छोटे भैया, अब मैं चाहूंगा कि आप माइक लें और थोड़ा सा बोलें. अनेरी से पूछ के सर. अनेरी बोलूं? बोल लो आकाश, आज के दिन बोल लो. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मूवी टीवी इस शो के लिए.
एंड थैंक यू मुकेश सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने हमें दी ताकि हम ये कैरेक्टर प्ले कर सके. एंड दोनों मुकेश सर, मुकेश वन मुकेश टू वेरी नाइस. एंड अब मैं अपने छोटे भाई से कुछ बोलना चाहूंगा कि आप भी कुछ बोलिए. मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा. अच्छा है आपने सबसे आखिरी में मुझे माइक दिया, क्योंकि जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं तो खत्म नहीं होता और सब बोर हो जाते. तो थैंक यू सो मच. और सबसे पहले मैं थैंक यू अम्मा जी, क्योंकि जिनको हमने इतने समय से टीवी पर देखा था उनके साथ आप काम करते हो, तो वाकई में आपको लगता है कि अरे बाबा ये क्या हो रहा है. और जब आपने काम किया उसके बाद अम्मा ने हमको इतना कंफर्टेबल किया कि हमको लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं जिनको हम बचपन में देखते हुए बड़े हुए हैं, या उनको देखते हुए हम आए हैं. तो थैंक यू सो मच अम्मा जी. और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं कहूंगा हमारे डायरेक्टर राहुल सर, आसिफ सर, इतने प्यार से. देखिए जब आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो इतनी तकलीफें होती हैं और इतना डर लगता है, लेकिन इतना कंफर्टेबल हमको कराया आसिफ सर ने और राहुल सर ने कि थैंक यू सो मच सर. मैं ऐड करना चाहूंगा कि लिटरली हमें झेला है. बिल्कुल झेला है. एंड थैंक यू सो मच. सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए हमारे पुलिस कहाँ है? पुलिस सर आइए, आपका स्वागत है. बुलाते हैं मनु कृष्णा. मनु जी Who's playing the role of बुलबुल. जोरदार ताले हो जाए. बाबू आप तो आइए ऊपर एक बार. कृपया उन्हें माइक दे दीजिए. हैंड्स अप. क्या बात है भैया, हमको पता था कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, है ना. बस यही चल रहा है मेरे साथ इस सीरियल में कि अम्मा जी को बार बार मैं हैंड्स अप करने के लिए कहता हूँ, ये हाथ नहीं उठाती पूरी फैमिली के साथ में. और मेरा किरदार भी यही है कि मैं अम्मा जी और फैमिली के पीछे पड़ा हुआ हूँ, है ना. और जब तक गिरफ्तार नहीं कर लूंगा, सांस नहीं लूंगा, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर्स को, चैनल के सभी मेंबर्स को, डायरेक्टर साहब को, आसिफ जी को, राहुल जी को, मोहित भाई हमारे कैमरामैन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और खासकर मुकेश सर कि आपने मुझे बुलाया, काम दिया. राहुल सर आपने बहुत सिखाया, आसिफ सर बहुत सिखाया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. यार खट्टी बातें मैं पहले बताऊंगा, चाय में दूध कम होता है लेकिन फिर भी हम लोग पी लेते हैं. और मीठी बात ये है नहीं एक्चुअली यहाँ चाय से याद आई कि हम कभी भी स्पॉट दादा को बोलते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूसर वाली चाय ले आना या प्रोड्यूसर वाली कॉफी ले आना. बिल्कुल. और मीठी बात ये है कि हम लड़ते भी बहुत है लेकिन बहुत प्यार से, क्योंकि फैमिली है. फैमिली है. जैसे घर में चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक फैमिली है. वो प्यार, वो चीजें हमेशा बनी रहती है और हमेशा बनी रहेंगी. अरे बिल्कुल माँ, बिल्कुल. देखिए तो यही कि बहुत मजा आ रहा है सबके साथ काम करने में. और प्लीज देखना हमारा ये शो चोर पुलिस, 8:30 मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन मुबू टीवी. क्या बात है, शुक्रिया आप सभी को. एंड थैंक यू सो मच, काइंडली टेक योर सीट्स. तो ये था हमारा स्टार कास्ट ऑफ कोर्स. एक आदमी रह गया जिसके चेहरे से शो की ओपनिंग हुई थी. राहुल कम अप प्लीज, कम अप. जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए राहुल का. ये हमारा सब कुछ है परिवार का. देखो ऐसा है, उनके लिए ना आपको एग्जिट करना था, उनको उनका स्पेशल अपीयरेंस था, लेकिन आपने बुला लिया.